नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर का जो पेपर है, सेकंड पेपर इकोलॉजी से रिलेटेड, उसके अंदर जो हमारा टॉपिक था सक्सेशन, उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि हमने पैटर्न्स ऑफ सक्सेशन के बारे में बात की, यानी कि अनुक्रमण के पैटर्न्स के बारे में। या अनुक्रमण के पैटर्न है वो तीन तरीके के हैं, जीरो सीरी, हाइड्रोसीरी एंड मीजोसीरी, मरुक्रमक, जल क्रमक और मध्य क्रमक। तो हमने पहले जिसके बारे में बात की थी, जीरो सीरी के बारे में। जीरो सीरी के अंदर, यानी कि शुष्क जो कंडीशन है उसके अंदर होने वाले सक्सेशन को हम कहेंगे जीरो सीरी, जिसको हिंदी में कहते हैं मरुक्रमक। वो दो में डिवाइड था, लिथोसीरी एंड सेमोसीरी। लिथोसीरी जो कि एक बेयर रॉक के ऊपर हो रहा है, यानी कि चट्टान के ऊपर होने वाले सक्सेशन को हम कहेंगे लिथोसीरी। और अगर सक्सेशन यानी कि अनुक्रमण मिट्टी के टीले के ऊपर हो रहा है तो उसको हम कहेंगे सेमोसीरी। तो हमने दो के बारे में हम बात कर चुके, जीरो सीरी हमारा कंप्लीट हो चुका। आज हम बात करेंगे हाइड्रोसीरी के बारे में। एक आपने देखा होगा कि जब भी कहीं ये जो पशु वगैरह होते हैं, इनका जो गोबर वगैरह होता है, तो उसमें फाइनली थोड़े दिन बाद अगर वो एक ही जगह पे पड़ा रहे तो धीरे धीरे वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है बारीक पार्टिकल्स में, और उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। तो ये भी टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोसीरी के बारे में। हाइड्रोसीरी, हाइड्रो यानी वाटर, वाटर से रिलेटेड, यानी कि अगर सक्सेशन वाटर के अंदर हो रहा है तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोसीरी। अब वाटर कोई पॉन्ड हो सकता है या फिर कोई लेक हो सकती है, उसके अंदर ये सक्सेशन देखने को मिलता है। जब इसकी शुरुआत होती है तब क्या होता है कि जो पॉन्ड हो या चाहे लेक हो, वो एक फ्रेश वाटर से भरा हुआ होता है। उसके अंदर कोई भी आपको प्लांट्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, ना जू प्लैंकटॉन्स ना फाइटोप्लैंकटॉन्स। लेकिन अगर सक्सेशन हो रहा है तो सक्सेशन का मतलब ही होता है कि कम्युनिटी आती रहती है और धीरे 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 क्लाइमेक्स कम्युनिटी में कन्वर्ट होती है, यानी कि चरम समुदाय में कन्वर्ट होती है। तो क्या होगा, अगर ये वाटर के अंदर हो रहा है तो मान लो कोई एक पॉन्ड है, ये वाटर से भी नहीं, यानी कि जल से भरा हुआ एक तालाब है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि इसके आसपास की जो मिट्टी है, मिट्टी के कण जो है, वो धीरे धीरे इसके अंदर एंटर करते रहते हैं। तो एंटर करेंगे तो अंदर जो बॉटम होगा यानी पेंदे के अंदर क्या होगा, मिट्टी का धीरे धीरे जमाव बढ़ेगा। जमाव बढ़ने की वजह से इसका जो जल स्तर है वो कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे जल स्तर कम होता जाएगा, वैसे वैसे अलग अलग प्लांट और एनिमल कम्युनिटी को रहने के लिए जगह मिल जाएगी, और कुछ बाहर हवा से भी कोई एल्गी है उसके शेड वगैरह लाके उसके अंदर डाल दिए जाते हैं, तो वो उस वाटर के अंदर ग्रो करने लग जाती है। तो सबसे पहली स्टेज इसके अंदर होती है फाइटोप्लैंकटन स्टेज। फाइटोप्लैंकटन स्टेज के अंदर क्या होता है कि कुछ फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन्स आके उसके अंदर रहते हैं। तो उसमें सबसे पहले बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हो गए, कुछ डायटम्स हो गए, वो आके वाटर में रहना शुरू करेंगे। और कुछ जू प्लैंकटन्स जैसे कि अमेबा, पैरामीशियम, यूब्लिना, ये आकर वहाँ पर रहने लगेंगे, क्योंकि धीरे धीरे बाहर से भी हवा के द्वारा हो गया या किसी और वजह से वहाँ पर ये एल्गी वगैरह है वो उसके शीट वगैरह उनके बीच आते रहते हैं और वो धीरे धीरे ग्रो करती रहती है। तो सबसे पहली स्टेज इसके अंदर होगी फाइटोप्लैंकटन स्टेज या फिर जू प्लैंकटन स्टेज। अगर हम बॉटनी से रिलेटेड बात करें तो हम कहेंगे फाइटोप्लैंकटन, और अगर जूलॉजी से रिलेटेड बात करेंगे तो हम कहेंगे जू प्लैंकटन स्टेज। तो कुछ फाइटोप्लैंकटन और कुछ जू प्लैंकटन आके उस वाटर के अंदर रहने लगते हैं। तो सबसे पहली स्टेज होगी प्लैंकटन स्टेज।
ये ग्रो कर सकते हैं, तो इस तरीके से वो ग्रो करने लग जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो ये धीरे धीरे ग्रो करने लगेंगे। कुछ फिशेज हैं वो भी आके रहने लगेगी, वो भी उसके अंदर आराम से रह सकती है क्योंकि अब उसको ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करवा दी गई है। तो सबमर्ज स्टेज के अंदर कुछ प्लांट्स हैं और कुछ फिशेज हैं वो आके रहेंगी। तो धीरे धीरे ये क्या होगा, सेडिमेंट्स जो होगा वो बढ़ेगा, यानी कि मिट्टी नीचे की तरफ ज्यादा एकत्रित होने लगेगी, इकट्ठा होने लगेगी, जिसकी वजह से वाटर का लेवल जो होगा वो धीरे 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 करके कम हो जाएगा। अब उसके बाद सबमर्ज स्टेज के बाद आएगा फ्लोटिंग स्टेज। फ्लोटिंग स्टेज में कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे कि कमल हो गया, नीलम हो जिसको कहते हैं, या फिर निम्फिया हो गया, मार्शीलिया हो गया, ये क्या करेंगे, ये ग्रो करेंगे फ्लोटिंग स्टेज के अंदर। और कुछ एनिमल्स जैसे कि हाइड्रा हो गया, फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, वाटर स्नेक यानी कि पानी में रहने वाले सांप हैं, वो आराम से रह सकते हैं क्योंकि अब धीरे धीरे नीचे क्या हो गया, सेडिमेंट्स बढ़ेगा, यानी कि जो अवसाद है वो, उसको कहते हैं सेडिमेंट्स, वो बढ़ेगा और धीरे धीरे मिट्टी गर्म होती जाएगी, जिसकी वजह से पानी का स्तर जो है वो कम होता जाएगा और कुछ प्लांट्स फ्लोटिंग स्टेज वाले प्लांट्स जैसे कि नीलम, निम्फिया, मार्सीलिया, ये ग्रो करने लग जाएंगे। और कुछ एनिमल्स भी जैसे कि हाइड्रा, फ्रॉग, स्नेक या वाटर स्नेक है, वो आके रह सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि धीरे 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 करके सेडिमेंट्स इकट्ठा होने की वजह से क्या होगा, वाटर का लेवल जो है वो बहुत ही कम रह जाएगा। तो ये पूरी तरीके से क्या होगा, नीचे की तरफ पूरे सेडिमेंट्स से भर जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से, और पानी सिर्फ थोड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा, बाकी कुछ इवोपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो रीड सॉन स्टेज है, कुछ ऐसे पौधे जैसे रेनिकुलस, सेजिटेरिया, टाइफा, ये ग्रो करेंगे, और कुछ डक है, किंगफिशर्स है, कुछ एनेलिड्स भी आके वहां पे रहेंगे क्योंकि अब वाटर का लेवल इतना ज्यादा है नहीं, तो वो आराम से अपने बिल बना के रह सकते हैं। फिर उसके बाद जो स्टेज आती है मार्स मीडो स्टेज, अब और वाटर और भी बहुत कम मात्रा में रह जाएगा, यानी कि कीचड़ जैसी जो कंडीशन है वो पैदा हो जाएगी, उसको हम कहेंगे मार्श मीडो स्टेज। उसमें कुछ पॉलीगोनम है, मेंथा है, कुछ ग्रास है, घास वगैरह उगने लग जाएगी, और छोटे छोटे जो ग्रास में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो ग्रो करने लग जाएंगे, वो रहने लग जाएंगे। तो फाइनली ग्रास डेवलप हो जाएगी, कुछ प्लांट्स हैं वो उगने लग जाएंगे, और फिर धीरे धीरे जब कीचड़ पूरा उसके अंदर भी जो वाटर होगा थोड़ा बहुत भी जो होगा वो इवोपरेट हो जाएगा, तो पूरी तरीके से एक वुडलैंड स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अब वहां पे जो हायर प्लांट्स हैं वो जिनकी जड़ें जो है वो गहरी होती है वो आके वहां पे रह सकते हैं। और क्योंकि अब यहाँ न तो कीचड़ है, ना ही फ्लोटिंग स्टेज है, ना कुछ है, ना पानी बिल्कुल नहीं है, और एक लैंड उनको अवेलेबल करवा दी जाएगी हायर प्लांट्स को, और फिर यहाँ पे प्लांट्स जैसे मेपल हो गया, इस तरीके के प्लांट्स ग्रो करेंगे, और इन प्लांट्स के अंदर फिर जो हायर एनिमल्स हैं, मेमल्स हो गए, वो आके वहाँ पे रहने लग जाएंगे। तो इस तरीके से वाटर यानी कि इसका सक्सेशन, पानी के अंदर सक्सेशन जब होगा, तो एक पहले एक साफ सुथरी झील थी या कोई तालाब था, उसके अंदर धीरे धीरे नीचे मिट्टी या सेडिमेंट जो है वो इकट्ठा होने की वजह से धीरे धीरे पानी की मात्रा में कमी आएगी, और मिट्टी जो है वो मात्रा में बढ़ेगी। जैसे जैसे मिट्टी का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे प्लांट्स और एनिमल्स जो हायर एनिमल्स हैं उनको रहने के लिए जगह मिलती जाएगी, धीरे धीरे जो वाटर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और वहाँ पे एक पूरा लैंड
अवेलेबल करवा दिया जाएगा हायर एनिमल्स और प्लांट को रहने के लिए। तो आपने सुना होगा कि जो ये झील है, जो झीलें हैं उनके उनके संरक्षण के लिए भी काम किया जाता है कि उनके अंदर कचरा नहीं डालने को कहा जाता है, मना किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी साफ सफाई का काम किया जाता है। वो इसी वजह से किया जाता है कि कहीं इनके अंदर संरक्षण होके वो झीलें पूरी तरीके से नष्ट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, पूरी तरीके से लैंड कन्वर्ट ना हो जाए। तो इस वजह से सक्सेशन का प्रोसेस वहाँ पे ना हो, झीलें ही रहे ताकि जो ये हमारा टूरिस्ट वाला जो है वो बिजनेस है वो हो सके, झीलें झील लोग झीलों के किनारे घूमने जाते हैं। तो साफ सुथरी झीलों में साफ सफाई का काम भी इसी वजह से चलता है कि उनके अंदर ये जो मिट्टी है अंदर उनके तली के नीचे सेडिमेंट्स इकट्ठा ना हो, कचरा इकट्ठा ना हो, जिसकी वजह से ये उनकी साफ सफाई की जाती है। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोसिल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।